फर्स्ट मैं यूज़ करूँगी मॉइस्चराइज़र एंड मॉइस्चराइज़र के बाद मैं यूज़ करूँगी प्राइमर। ये है मैट प्राइमर एंड प्राइमर को अच्छे से हम प्रेस करेंगे स्किन में। एंड इसके बाद मैं यूज़ करूँगी कंसीलर। कंसीलर को अच्छा ज़्यादा नहीं, थोड़ा ही लेना है। फिर उसके बाद आईब्रो सेट करूँगी। आईब्रो सेट करने के बाद कंसील भी करूँगी, देन कंसीलर से आई बेस करूँगी। आई बेस को अच्छे से ब्लेंड करूँगी। ब्लेंड करने के बाद मैं सीधा चले जाऊँगी आई शेडो पर। आई लुक के लिए फर्स्ट मैं यूज़ किए, मैंने ऑलरेडी दिए दिए वो कलर डार्क ग्रीन। डार्क ग्रीन के बाद थोड़ा लाइट मैंने यूज़ किए, उससे भी थोड़ा लाइट मैंने इनर कॉर्नर में भी यूज़ किए। हल्का ब्लेंड करने के बाद हो गए डन। ज़्यादा नहीं करना क्योंकि हम फिर मैं यूज़ करूँगी फाउंडेशन। ये मैट फाउंडेशन है क्योंकि समर सीजन, डेफिनेटली यस मैट फाउंडेशन यूज़ करना है आप लोगों को भी। फिर मैं यूज़ करूँगी कंसीलर, ये टर्ट का कंसीलर है मीडियम लाइट समथिंग शेड। एंड इसको अच्छे फिर जब भी ना ये मैं बोलती हूँ मैं बहुत नर्वस हो जाती हूँ, आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। अच्छे से मैं ब्लेंड करूँगी फुल फेस को, फिर कोई हर्श लाइन ना रह जाए। फिर लूज पाउडर से सेट करूँगी फुल फेस को। फिर उसको एक मिनट बाद या फिर दो मिनट या फिर पाँच मिनट बाद आप क्लीन कर सकते हो। फिर उसके बाद मैं यूज़ करूँगी पाउडर कंटूर। पाउडर कंटूरिंग करने के बाद मैं यूज़ करूँगी ब्लश एंड लुक ऑलरेडी डन, फ्लॉलेस लुक। मैं आपके खुद अपनी तारीफ कर रही हूँ, क्या बोलूँ, जो भी है। फिर मैं यूज़ करूँगी हाइलाइटर। ये बहुत ये मेरे फेवरेट हाइलाइटर है, सो आई लाइक। एंड नेक्स्ट फिर वाटर लाइन के नीचे हम यूज़ करेंगे पिंक, ये लाइट पिंक है। नेक्स्ट मैं लिप लाइनर यूज़ करूँगी। लिप लाइनर के बाद लिक्विड लिपस्टिक भी यूज़ करूँगी। एंड हो गए डन, ऑलमोस्ट डन हो गए। सो मैं रेडी होने के बाद सोच रही थी समथिंग इज मिसिंग, तो हाँ यही है। नेक्स्ट मैं अपने मेकअप को सेट करूँगी अपनी सेटिंग स्प्रे से। और इतना मैंने बहुत बहुत ही ज़्यादा ही सेटिंग स्प्रे यूज़ कर लिया, फुल पानी पानी कर दिया अपने फेस को। नेक्स्ट ये सब कुछ ठीक करके चालू हो गई देने के लिए पोज। देखो बन गई ना मैं मॉडल। वाह।